Hello, friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, if you want to learn English, if you want to improve your English, then this channel is perfect for you. So don't go anywhere, just subscribe to my channel Hindi to English. Friends, here on my channel, I explain each and every rule of grammar in detail. So don't worry, you will feel like you have written this and today we are going to write an interesting moral story through translation so this video is really very interesting please watch it till the very end patiently and carefully without skipping the video you can also follow me on instagram my user id is all round knowledge besides that you can also join me on telegram my channel's name is all round knowledge you can search my name imtiaz ansari on facebook You will find there my profile pic with a silver button. So just follow me there to know about me. Now it's time to start today's lesson. एक बारे किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कह दिया. तो दोस्तों यह simple past tense में है. और इसमें सबसे पहले subject, फिर verb to, फिर object use करेंगे. बुरा भला कह देना, यानी कि से बैड थिंग्स तो यहां पर लिखेंगे वंस फार्मर सेड बहुत बुरा भला यानी कि वेरी बैड थिंग्स अपने एक पड़ोसी को टू हीज नेवर वंस अ फार्मर सेड वेरी बैड थिंग्स टू हीज नेवर लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप के लिए एक संत के पास गया तो दोस्तों इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए सबसे पहले जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है इंग्लिश वर्ड्स यानी कि आपकी वोकेबरी काफी स्ट्रोंग होनी चाहिए दोस्तों जैसे यहां पर है बाद में यानी कि लेटर एहसास होना यानी कि रियलाइज पश्चाताप यानी कि रिपेंटेंस संत यानी कि सेंट अब दोस्तों हमें यह जानना है कि यह किस टेंस में है एहसास हुआ जैसे मैं गया आई वेंट एहसास हुआ आई रियलाइज यानी कि सिंपल पास टेंस तो यहां पर लिखेंगे बट लेटर ही रियलाइज हिज मिस्टेक तो वह पश्चाताप के लिए एक संत के पास गया तो के लिए आप सो का यूज कर सकते हैं यहां पर सो ही वेंट टू असेंट पश्चाताप के लिए फोर रिपेंटेंस बट लेटर ही रियलाइज हिज मिस्टेक सो ही वेंट टू अ सेंट फॉर रिपेंटेंस उसने संत से अपने शब्द वापिस लेने का उपाय पूछा ताकि उसके मन का बोझ कुछ कम हो सके तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ड समझेंगे वापस लेना यानी कि टेक बैक उपाय इसके लिए आप वे का यूज कर सकते हैं ताकि सो so दैट मन का बोझ यानी कि बर्डन ऑफ माइंड कम होना यानी कि रिड्यूस कम करना कम होना उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा ही आस्ड द सेंट द वे टू टेक बैक हिज वर्ड्स ताकि सो दैट ही कूड यहां पर सके है और पास्ट फॉर्म में है तो कूड यूज करेंगे रिड्यूस द बर्डन ऑफ

कहीं से बहुत सारे पंख इकट्ठा कर लो क्लेक्ट अ लॉट ऑफ फेदर्स फ्रोम समवेयर और उन पंखों को शहर के बीचों बीच जाकर बिखेर दो एंड डिस्ट्रीब्यूट या फिर स्कैटर दोज फेदर्स शहर के बीचों बीच इन मिडिल पॉइंट ऑफ द टाउन अब दोस्तों यहां पर जाकर बिखेर दो तो यहां पर आप लिख सकते हैं गो एंड स्कैटर इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा द सेंट से फार्मर डू वन थिंग कलेक्ट लॉट ऑफ फेदर्स फ्रॉम समवेयर एंड गो एंड स्कैटर दोज फेदर्स इन द मिडिल ऑफ द टाउन यहां पर आप सेंटर का भी यूज कर सकते हैं किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया तो यह सिंपल पास टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब टू फिर ऑब्जेक्ट तो यहां पर मेन वर्ब है किया यानी कि डू डू से बन जाएगा डिड ऐसा ही यानी कि द सेम तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर डिड द सेम और फिर संत के पास पहुंच गया and went to the saint. The farmer did the same and went to the saint. संत ने कहा क्या तुम उन पंखों को पुनः समेट कर ला सकते हो the saint said ला सकते हो यानी कि क्षमता ability यहां पर कैन यूज करेंगे

ऑल दोज फेदर्स किसान ने कोशिश की लेकिन वह खाली हाथ लौटा द फार्मर मेड द एफर्ट या फिर द फार्मर ट्राइड बट ही रिटर्नड खाली हाथ विद empty हैंडेड द फार्मर मेड द एफर्ट बट ही रिटर्न विद empty हैंडेड संत ने उसे समझाया कि ठीक ऐसे ही तुम्हारे शब्दों के साथ होता है ऐसे ही यानी कि एग्जैक्टली द सेम समझाया यहां पर आप एक्सप्लेन का यूज कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे द सेंट एक्सप्लेन्ड टू हिम दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स यानी कि होता है तुम्हारे शब्दों के साथ विद योर वर्ड्स द सेंट एक्सप्लेन टू हिम दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स विद योर वर्ड्स तुम आसानी से किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकते हो लेकिन तुम चाहकर भी उन शब्दों को वापिस नहीं ले सकते तो सबसे पहले लिखेंगे तुम आसानी से किसी को कुछ भी कह सकते हो यू कैन ईजली से एनी थिंग टू एनी वन बिना सोचे समझे विदाउट थिंकिंग बट वन सेड यानी कि एक बार जो आपने कह दिया वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक दोस्तों यहां पर है चाह कर भी इसके लिए आप इवन इफ का यूज कर सकते हैं इवन इफ यू विश यू कैन इजिली से एनी थिंग टू एनी वन विदाउट थिंकिंग बट वन सेड cannot नॉट बी टेकन बैक इवन इफ यू विश इसलिए अब से कुछ बोलने से पहले दो बार जरूर सोच लेना सो फ्रोम नाउ ऑनवर्ड्स थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनी थिंग सो फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनी थिंग यहां पर है जरूर सोच लेना तो आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं यू मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनी आइए दोस्तों इस स्टोरी को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं वंस अ फार्मर सेड वेरी बैड थिंग्स टू हिज नेबर बट लेटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक सो ही वेंट टू अ सेंट फॉर रिपेंटेंस ही आस्क्ड द सेंट द वे टू टेक बैक हिज वर्ड्स सो दैट ही कुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ हिज माइंड The saint said to the farmer, "Do one thing: collect a lot of feathers From somewhere and go and scatter those feathers in the middle of the town. The farmer did the same and went to the saint. The saint said, Can you collect and bring back all those feathers? The farmer made the effort, but he returned with empty handed. The saint explained to him that exactly the same thing happens with your words. You can easily say anything to anyone without thinking, but once said, those words cannot be taken back even if you wish. So, from now onwards, you must think twice before speaking anything. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज इसके अलावा टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए चैनल का नाम है ऑल राउंड नॉलेज फेसबुक से जुड़ जाइए मेरा नाम है इम्तियाज अंसारी सिल्वर प्ले बटन के साथ मेरा एक प्रोफाइल पिक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए वहां पर भी आप मेरे रील्स वीडियोज को देख सकते हैं ऑल राइट फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे